हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो पर रिएक्ट करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आप लोग ने वो एक मुशायरा सुना है, अरे रे बाबा ना बाबा तेरे पायल की झनकार, राही साहब ने उसे परफॉर्म किया था। बट व्हेन आई हर्ड इट आई गॉट वेरी शॉक्ड। मुझे बहुत बुरा लगा उनकी सोच महिलाओं की तरफ देख करके, वो बाजारू भी उन्होंने बोला महिलाओं को, तो वो चीज़ मुझे बहुत हर्ट करी थी एंड आई वॉज कम्प्लीटली लाइक डिसअग्रीइंग टू वॉट ही सेड। और मुझे जितनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी ना, उससे ज़्यादा कॉमेंट्स ऐसे आ गए कि आप ना समझ नहीं पा रही कि वो क्या कह रहा है, आपकी सोच गलत है। पर बहुत सारे आदमी लोग भी ऐसे थे जिन्होंने लिखा कि वी फील बैड फॉर द पीपल सिटिंग ओवर देयर एंड लिसनिंग टू दैट व्हाट ही इज सेइंग। मतलब वो लोग टोटली डिसअग्री कर रहे थे उनसे, पायल की झनकार वाले भैया से, और वो अग्री कर रहे थे मेरे साथ कि ऐसा किसी को भी किसी औरत के लिए कभी भी नहीं बोलना चाहिए। और एक बहुत प्यारी सी लड़की है निखट अमरोहवी, उनका नाम लिखा हुआ है टाइटल के अंदर, मैं उनको पहली बार सुनूंगी। उन्होंने आंसर दिया है अरे रे बाबा ना बाबा का, तो आप एक्साइटेड है उसे सुनने के लिए? मैं तो हद से ज्यादा वाली एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने वो पायल की झनकार सुना ना तब मेरा मूड ऑफ हो गया था, पर मेरा आज एकदम चार्ज्ड हो जाएगा मूड इसे सुन करके। और आप चाहें तो मेरे उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उसके कमेंट सेक्शन भी देख सकते हैं, बहुत अतरंगी सा कॉमेंट सेक्शन है। मेरे को बहुत बुरा लग रहा था वो कॉमेंट्स रीड करके कुछ जो थे। बाकी तो अपने अच्छे अच्छे दोस्त आप लोग तो हैं यार सपोर्ट करने के लिए। तो एक बार अपन इन मैडम को सुनते हैं, मोहतरमा को सुनते हैं, बहुत प्यारी सी हैं, बहुत अच्छे से जवाब देंगे मुझे पता है, क्योंकि अदब जो होता है ना औरतों के अंदर वो अलग ही होता है। हाँ मतलब मुझमें उतना नहीं है, मैं उतनी तहजीब से नहीं बोल पाती जितना उर्दू की जो शायरा है वो बोलती हैं, बट आई जस्ट विश कि वो तहजीब मेरे अंदर भी आ सके, कभी उतने अदब से मैं भी बोल सकूँ। चलिए ठीक है, रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप यू विल लव द कॉमेडी रील्स दैट आई पुट देयर, वहाँ पे मैं मजाकिया रील्स बनाती हूँ जिसे देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके अम्मी अब्बू का भी खुश हो जाएगा, उनको भी दिखाना, फैमिली फ्रेंडली कॉन्टेंट है। गीत कितने लोग सुनना चाहते हैं मुझे ये बताइए। मैं अच्छा इस गीत की भूमिका भी थोड़ी सी बता दूं मैं आपको। ये एक ऐसे शौहर के लिए कहा गया है जो घर में तो बहुत नेक शरीफ और बहुत पारसा है, और बाहर जाने के बाद वो बहुत सारे खुराफात करता है, और घर में आने के बाद फिर अपनी बीवी के ऊपर, अपनी अहलिया के ऊपर तमाम तरह की बातें लगाता है। तो अगर ये यकीन कीजिएगा कि अगर आपने इस गीत पर दाद नहीं दी या आप कहीं भी खामोश हो गए तो शायद हो सकता है उनमें से एक आप भी हो। पढ़ती हूँ सुनिएगा, पढ़ती हूँ। वेरी नाइस। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। देखिए इधर वाला मोहल्ला बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है, तो बिना झिझक कह सकती हूँ कि जहाँ गड्ढा होता है पानी वहीं जा करके मरता है। मैं पढ़ती हूँ, मैं उनका भी साथ चाहती हूँ, सुनिए। कि मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना गीत का पहला बंद आपके हवाले करती हूँ, सुनिएगा। कि मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाई भंवरा, फिरता है डाली डाली, तेरी रग रग में अयारी, मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली, मैं साहिल तू मझधार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। यहाँ बैठे हुए कुछ लोग बहुत जोर जोर से सीटी मार रहे थे,
और बीच बीच में उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये अदब का मंच है। ये भाई साहब भी अभी सीटी बजाने की कोशिश कर रहे थे मगर फेल हो गई। मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर मैं यहाँ से सीटी मारूंगी तो शायद पीछे तक जाएगी, क्योंकि भारतीय नारी कहीं कुछ भी कर सकती है, उसको कमजोर मत समझिए। मैं पढ़ती हूँ, ये बंदी पढ़ती हूँ बतौर खास समाज की, जो सुनिएगा। इसमें एक तस्वीर दी गई है जिसमें एक आदमी से मुराद एक चीते के है, और गाय बहुत सीधी सादी होती है तो उससे मुराद एक औरत की दी गई है। तो मैं पढ़ती हूँ सुनिएगा, कि तू एक शिकारी चीता मैं सीधी सच्ची गाये, तू ऐब करे दुनिया के और मुझको ऐब लगाए, मेरे पाँव में है जो घुंघरू तूने ही मुझे पहनाए, वादों से मुझे बहलाए तू झूठी कसमें खाए, एक दिन में सौ सौ बार अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार अरे रे बाबा ना बाबा। बीच बीच में आपसे जो भी गुफ्तगु हुई हो उसके लिए खैर बहुत माजरत खा हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए मैंने बीच बीच में कुछ बोला। मैं ये बंद पढ़ती हूँ, अगर इस बंद में आपको बात सच्ची और अच्छी लगे तो आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा। कि तेरी हर ना इंसाफी रहती है मेरी नजर में, तेरी हर ना इंसाफी रहती है मेरी नजर में, माथे पे शिकन हो तेरे तो दर्द हो मेरे सर में, बदले हैं कितने साथी तूने इस एक सफर में, तू घूमे दुनिया भर में मैं कैद रहूं तेरे घर में, दोहरा है तेरा किरदार अरे रे बाबा को सिखाऊं प्यार अरे रे बाबा ना बाबा। और हजरत आखिरी बात अपनी इस मंच से कहना चाहती हूं कि घर की बीवी कितनी भी अच्छी हो मगर बाहर की बहुत अच्छी लगती है। हर इंसान यह सोचता है कि चलो एक शादी हो गई है, घर में बहुत कोफत है, उस मसले को सुलझाने की कोशिश नहीं करता, उसके बाद दूसरी शादी का इरादा कर लेता है, फिर तीसरी का कर लेता है। मैं पढ़ती हूँ ये आखिरी बंद, उसके बाद आप सभी से विदा। एक बार आपका फिर बहुत बहुत शुक्रिया, बंद समाप्त कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए और बहुत बहुत सारी तालियाँ बजा कर अपनी दुआओं से मुझे यहाँ से रुख्सत करिएगा। पढ़ती हूँ सुनिए। कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, मैं घर पे रास्ता देखूं तेरा बसती बसती डेरा, तू एक फेराई पंछी हर शाम पे तेरा बसेरा, और मुझ पर ये पाबंदी मैं नाम जपूं बस तेरा, तू चाहे बीवियां चार अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस था, दिल खुश हो गया मेरा। जितना उस समय मैं अपसेट हुई थी ना उन्हें सुन करके, वो पायल की झनकार को, उतना ही खुश मैं अभी हूँ। मतलब दो ऑपोजिट इमोशंस मैं इस फील कर पा रही हूँ, राइट। आई विश टू मीट हर वन डे, शी इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल और बहुत ही सुंदर।